हेलो फ्रेंड्स, जो ये आज की वीडियो है ये दिल्ली दरबार 1911 के रिगार्डिंग है। तो ये दिखाया गया है कि जब जॉर्ज फिफ्थ इंडिया में आए थे उस टाइम की ये वीडियो है 1911 की। तो कुछ दिनों तक रुके थे जॉर्ज फिफ्थ क्वीन मैरी के साथ इंडिया में, बट जो दिल्ली दरबार हुआ वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ। तो दिल्ली दरबार के रिगार्डिंग ये वीडियो है बेसिकली। इसमें दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, कितनी शान और शौकत के साथ में दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया। और अब यहाँ पे जो किंग जॉर्ज फिफ्थ हैं वो क्वीन मैरी के साथ में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी बग्गी से। जो दिल्ली दरबार हुआ था वो ऑर्गेनाइज किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। और देख सकते हैं आप, ये किंग जॉर्ज फिफ्थ बैठे हैं और उनके साथ में क्वीन मैरी बैठी हैं, और कई हज़ारों की तादाद में लगभग 50,000 से ज़्यादा फौजियों को उस समय पर तैनात किया गया था। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे सभी प्रिंसली स्टेट्स से राजा आए थे, और उन्होंने किंग जॉर्ज फिफ्थ के सामने झुककर अपने जो फेथफुलनेस उसे दिखाया था कि वो उनकी तरफ फेथफुल हैं। जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने फिर किंग जॉर्ज फिफ्थ को होमेज दी, झुककर ये दिखाया कि वी आर लॉयल टू दी किंग। और इसी तरह से और भी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ के लोग आए, वहाँ के ऑफिसर्स भी आए, वहाँ के जो रूलर थे वो भी आए, और जो राजा महाराजा थे वो सब आए, और उन्होंने राजाओं के सामने झुककर अपनी तलवार को रखा और गिफ्ट से लेकर आए वो राजा रानी के लिए, और गिफ्ट से देकर गए जॉर्ज फिफ्थ को और क्वीन मैरी को। जिस जगह पर जिस सीट पर ये बैठे थे उस सीट को डाइस कहा गया उस टाइम पर। और जो ये पूरा के पूरा प्रोग्राम था वो कोरोनेशन पार्क में ऑर्गेनाइज हुआ, और भोपाल की मात्र एक बेगम थी जो कि फीमेल हेड थी अपने स्टेट की जो आई और जो कि जॉर्ज फिफ्थ के सामने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये फीमेल हेड थी अपने स्टेट की, ये एकमात्र फीमेल हेड थी भोपाल की जो जॉर्ज फिफ्थ के सामने और क्वीन मैरी के सामने झुकी। फिर इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के और रूलर्स आए और किंग के सामने वो झुके। ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन था। इसको ऑर्गेनाइज जब किया गया तो हज़ारों लाखों लोग आने थे, इंतजाम किया गया बड़े लेवल पर। इवन वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बनाए गए, पुलिस स्टेशन बनाए गए और रेलवे स्टेशन तक बनाए गए। उस टाइम पर क्या होता था, अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको रैंकिंग दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलग अलग तोपों की सलामी के अकॉर्डिंग। कुछ छोटे स्टेट थे उनको 21 तोपों तक की भी सलामी दी जाती थी, और कुछ बड़े स्टेट थे उनको एक या दो तोप की सलामी दी जाती थी या फिर नहीं भी दी जाती थी। ये रैंकिंग, ये कैटेगराइजेशन इसके अकॉर्डिंग हुआ था कि जो कितना ज़्यादा लॉयल है ब्रिटिश सरकार की तरफ, कितना ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा पहुँचाता है, उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगराइजेशन हुई थी। इवन इसके अंदर हैदराबाद के निज़ाम भी आए, वो भी ब्रिटिश सरकार के सामने किंग जॉर्ज फिफ्थ के सामने झुके। और जो ये सेलिब्रेशन हुआ था ये इस चीज़ को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने कितना एक्सपेंड करा है, कितनी सक्सेसफुल रही है ब्रिटिश सरकार। और जितने कोर्ट के जजेस थे और जो दूसरे सीनियर ऑफिसर्स थे वो सब भी आए थे और किंग जॉर्ज फिफ्थ के सामने और क्वीन मैरी के सामने, उन सब ने भी झुककर अपनी होमेज दी थी। ये जो प्रोग्राम था पूरे का पूरा शान और शौकत के साथ में हुआ। ये 12 दिसंबर 1911 को चला था, बाकी के टाइम में 13 दिसंबर को किंग और क्वीन इन्होंने रेड फोर्ट की विजिट की, 14 दिसंबर को परेड हुई थी जो फौजी थे उन 50,000 से ज़्यादा फौजियों की परेड हुई थी। इस दिल्ली दरबार के अंदर जो पैसा था, पैसों को पानी की तरह बहाया गया। लॉर्ड हार्डिंग की रेख देख में सारा के सारा हुआ था, और उस टाइम पर दिल्ली में अकाल आया हुआ था।
इसके रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी एक चैप्टर है दिल्ली दरबार के रिगार्डिंग, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई गई है उसके अंदर, मतलब कि कटाक्ष किया गया है हिंदी में वो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, आपने पढ़ा भी होगा शायद। जो जॉर्ज फिफ्थ थे जिस टाइम पे वो दिल्ली दरबार में आए, उनके क्राउन में 6170 डायमंड्स लगे हुए थे, और जबकि उस समय में दिल्ली के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे, और यहाँ पर दिल्ली दरबार में इतना पैसा उड़ाया गया। दिल्ली दरबार में दो इम्पोर्टेंट घोषणाएँ की गई थी, पहली तो जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई थी, और दूसरा जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। और ये सारा के सारा प्रोग्राम कोरोनेशन पार्क दिल्ली में हुआ था। और जो ये दिल्ली दरबार है, इससे पहले मुग़ल एम्पायर के अंदर दरबार ऑर्गेनाइज किए जाते थे, मुग़ल दरबार, उसकी तर्ज पे ही बड़े लेवल पर दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने अपनी मतलब की लॉयल्टी को यहाँ पर श्योर नहीं किया, उनके उनसे क्या है ब्रिटिश सरकार उस समय में बहुत ज़्यादा खफा हो गई थी, और जिन्होंने अपनी लॉयल्टी को श्योर किया था उनकी तरफ ब्रिटिश सरकार हमेशा बायस्ड रही। ब्रिटिश सरकार का मेन तो टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को लूटना और यहाँ से रिसोर्सेज को लेकर जाना और अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज करना। आप देख सकते हैं किस तरह से कितना पैसा उस टाइम पर उड़ाया गया, जबकि दिल्ली के अंदर अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम पर, लोग भूख के मारे तड़फने लग रहे थे और मर रहे थे उस टाइम पर भी। तो जो आम जनता थी दिल्ली की, वो तो दिल्ली दरबार से खुश नहीं थी, और उन्होंने तो कई जगह पर प्रदर्शन भी किए थे, विरोध जाहिर किया था इन चीज़ों के रिगार्डिंग, पर उस समय पर ब्रिटिश सरकार ने उन सारे के सारे विरोध प्रदर्शनों को और सारे की सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया गया दिल्ली दरबार, और ये उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट रही। बट इंडियंस इस चीज़ से खुश नहीं थे, आप जो सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर है जॉर्ज पंचम के नाक उसमें भी देख सकते हैं कि जितने भी भारत के समाचार पत्र थे उन्होंने इसको दिल्ली दरबार को कवर नहीं करा था। जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे, ब्रिटिशर्स की जो मैगज़ीन थी, उन्हीं सब ने दिल्ली दरबार को कवर किया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी दिल्ली दरबार के रिगार्डिंग, 12 दिसंबर 1911 को जो ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ।